कहते थे लोग जो काबिल नहीं है तू, देंगे वही सलामियां। दिल थाम के जहां देखेगा एक दिन तेरी भी कामयाबियां। करके दिखा कमाल जय श्री राम दोस्तों, जय बजरंगबली। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, फरवरी 2024 यानी दूसरा महीना है जो इस साल का, उसकी पहली वीडियो में मैं अक्षत भारद्वाज आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज बात होगी बजट की। जी हाँ मेरे दोस्तों, यानी अंतरिम बजट, जिसको हम कहते हैं इंटरिम बजट। तो आज उसके बारे में बात होगी। पिछले साल भी बात हुई थी, लेकिन पिछले साल मैंने उसको एक अलग तरीके से बताया था, जिसमें मैंने अपना ऑडियो डाला था और फोटोज़ चल रही थी। बट आज मैं खुद सामने आके उसके बारे में बताऊंगा, पढ़ के विस्तार से भी बताऊंगा और वैसे भी डिटेल में आपको बताऊंगा। तो बात करेंगे और शुरू करेंगे। 1 फरवरी हमेशा ही एक बहुत महत्वपूर्ण डेट होती है सारे भारतीयों के लिए, क्योंकि उस दिन बजट आता है। तो हर कोई नज़रें गड़ाए टीवी पे या अपने मोबाइल या लैपटॉप या मोबाइल पे देखता है कि यार क्या होने वाला है, क्या कुछ हमारे लिए फ़ायदा है। तो आज बात होगी क्या इस बजट से किसी को फ़ायदा हुआ है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, बीजेपी कार्यकाल का जो दूसरा कार्यकाल है, ये मैं बात करूँ बीजेपी का जो सेकेंड टर्म है, ये उसका ये अंतिम बजट था, क्योंकि 2019, 20, 21, 22, 23 और 24 में इसलिए क्योंकि अपना साथ ही साथ अगर हम बात करें, ये बजट मैंने आपको पहले भी बताया था, तो ये बजट होता है 3-4 महीनों के लिए होता है। क्योंकि जुलाई जब 2024 आएगी, तो जो भी सरकार आएगी, चाहे वो बीजेपी की हो या इंडिया गठबंधन की हो, तो अपना नया बजट दोबारा लाती है। तो उनका आखिरी बजट था और इसको पेश करा उन्हीं की, आपको पता है, वित्त मंत्री यानी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने। और उन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित करा कि उन्होंने छठी बार बजट पेश करा और उन्होंने बराबरी करी मोनार्जी देसाई जी की, और वो पहली ऐसी भारतीय महिला बनी जिन्होंने 6 बार बजट अपना पेश करा। तो बहुत ही उनको शुभकामनाएं और बहुत ही अच्छा उनका हमेशा ही काम हमें देखने को मिला है, चाहे मैं डिफेंस में बात करूं या यहाँ पे बात करूं। तो शुरू करते हैं कि ऐसा उन्होंने क्या क्या करा है। क्योंकि वैसे अगर बात करें तो इससे पहले 87 मिनट का बजट था, जो सबसे कम दिए जाने वाला भाषण था, जिसमें मैं बात करूँ 2023 की, वो बात है एक साल पहले की, 2022 91 मिनट, यानी हर साल एक एक कम करके होता जाता है। 2021 में 100 मिनट, 2019 में 140 मिनट और 2020 में 160 मिनट। और उसके बाद मैं बात करूँ तो सबसे लोएस्ट था वो था 2024 1 फरवरी को, जो कि मात्र 58 मिनट का था। लेकिन इस 58 मिनट में क्या ऐसी चीज़ें हुई हैं, वो एक देखने वाली बात है कि क्या ऐसा कुछ हुआ है जिसमें आप लोगों को फ़ायदा हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं और एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूँ फिस्कल डेफिसिट की। तो फिस्कल डेफिसिट क्या है मैं बाद में बताऊँगा, लेकिन फिस्कल डेफिसिट जो है 5.8 तक आ गया है, तो और कम हुआ है। और उनका मानना है निर्मला सीतारमण जी का, जो अगले साल 2025 के फरवरी में बजट आएगा, तब ये 5.1 तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों फिस्कल डेफिसिट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मेरी सैलरी 30,000 है, लेकिन मेरे जो खर्चे हैं वो 35,000 है, यानी जो मेरी आमदनी है वो खर्चों से कम है, खर्चे ज़्यादा हैं। तो वो जो 5,000 रुपये हैं वो मेरा फिस्कल डेफिसिट हो गया। तो जैसे जैसे जितना कम होता जाता है, उतना ही आपको या आपके पूरे देश को फ़ायदा पहुंचता है। तो इससे जीडीपी को या हमारी पूरी इकोनॉमी को बहुत बेनिफिट मिलता है। तो अच्छी बात है 5.1 तक पहुँचा है और आगे ये और ज़्यादा पहुँचेगा, यही हम सब आशा करते हैं। तो अब एक एक करके बताता हूँ मैं कहाँ कहाँ क्या क्या फ़ायदा पहुँचा है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं मध्य वर्ग को मिलेगा आवास। जी हाँ, तो मध्य वर्ग के लिए योजना बनेगी, किराए के घर बस्ती और घरों में रहने वाले पास नए घर खरीदने या बनाने का मौका रहेगा। यानी हम सीधी सीधी बात करें तो अगले 5 सालों में बीजेपी का जो टारगेट है वो ये है कि अपना 3 करोड़ घर बनाए जाएं, जिनमें से 2 करोड़ घर अगले 5 सालों में बनाए जाएंगे। क्योंकि आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते थे कि यार सपना तो यही है कि 75 जब साल पूरे हों 2022 में जो हुए थे, तो सबके पास अपना घर हो, लेकिन वो अभी नहीं हो पाया। लेकिन जैसा कि उन्होंने बहुत सारे वादे पूरे करे हैं, चाहे धारा 370 था या राम मंदिर था, तो ऐसे ही ये वादा पूरा करने के लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो उन्होंने 3 करोड़ आवासों का सोचा है और जिसमें से अगले 5 सालों में 2 करोड़ आवास बनाए जाएंगे, और इसमें जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है वो मध्य वर्ग के लोगों को होगा, तो उनके लिए खुशखबरी है। साथ ही साथ मैं बात करूँ स्वास्थ्य के लिए हुआ ये ऐलान। जी हाँ, ये बहुत बड़ा है, क्योंकि महिलाओं के अंदर जो है सर्वाइकल कैंसर आजकल काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। तो 9 से 14 साल की जो उम्र की लड़कियाँ हैं, उनको अपना ये वैक्सीनेशन दिया जाएगा, ताकि अपना सर्वाइकल कैंसर उनके अंदर ना पनपे। तो एक बहुत ही अच्छी खबर है अगर मैं बात करूँ स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया
कि और ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस ये बनाएंगे, ताकि इसी से जो आयुष्मान भारत है वो मजबूत होगा, जो इनकी एक बहुत अच्छी योजना है। महिलाओं के लिए एक जो और बहुत बड़ा ऐलान है, क्योंकि ये हमने बात करी 9 से 14 साल की जो अपना जिनको वैक्सीन लगेगी, तो ये है कि दीदी योजना इनकी जो है, जिसमें महिलाओं को सशक्त बनाया जाता है, इसमें कामयाब हुए अभी तक 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए। और इनका जो अगला टारगेट था वो 2 करोड़ का था, लेकिन अब अच्छी बात क्या है कि जो इनका अगला टारगेट है वो 3 करोड़ है। तो सीधा 1 करोड़ जब ये 3 करोड़ के टारगेट पर जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी मुझे लगता है महिलाएँ काफ़ी बेनिफिट में जा सकती हैं। साथ ही साथ हमारी वायुसेना को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि लगभग अगले कुछ समय के अंदर मैं बात करूं तो 1000 नए विमान सरकार खरीद रही है। और पहले भी पिछले काफ़ी समयों में जो इतने अच्छे विमान आए हैं, चाहे हम राफेल की बात करें या अभी हम बात करें तेजस की बात करें, जो कि रिपब्लिक डे में इतनी अच्छी परेड में दिखाया भी गया, तो वायुसेना के लिए बहुत अच्छी खबर है। साथ ही साथ हमारी आर्मी के लिए भी अच्छे अच्छे हथियार लाए जाते हैं, क्योंकि तभी तो वो एक अच्छा मुकाबला कर सकती है, जो आपने उरी में देखा या जो आपने एयर स्ट्राइक में देखा, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। करदाता की अगर हम बात करें तो 2.4 गुना वो बड़ा है पिछले 10 सालों में अगर बात की जाए, जो कि अपना एक उन्होंने कहा है कि ठीक तौर पर ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो इससे अच्छी बात क्या है कि कॉरपोरेट टैक्स भी कम हुआ है। और साथ ही साथ जो 26 ईयर्स फॉर्म, जो कि आप जानते हैं पिछले काफ़ी समय से अगर आपके घर में कोई भरता होगा या आप भरते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी तक मैंने भी ट्राई नहीं करा है, जल्दी मैं ट्राई करना चाहूँगा। तो निर्मला सीतारमन जी ने बताया इस फॉर्म के थ्रू टैक्स भरना ज़्यादा आसान हो गया है। और 2013-14 तक जो है 93 दिनों में आपका रिफंड आता था, अगर आपका कोई रिफंड है, क्योंकि रिफंड कौन नहीं चाहता, लेकिन अब जो रिफंड है वो 10 दिनों में आता है। तो जितनी भी अच्छी अगर ये बातें सच हैं, जितना भी आपको पता है, जो भी बहुत बातें सच लगती भी हैं इनमें, तो एक बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही साथ मैं बात करूं तो सीबीआई को जो इन्होंने 928 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसमें से अगर हम बात करें तो साथ ही साथ ये है कि जो गृह मंत्रालय है उसको लगभग 2000 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन उसमें उन्होंने कितने कितने रुपए बांटे हैं ये एक बार देखने वाली बात है कि 1,32,345 करोड़ रुपये इन्होंने पुलिस को दिए। और साथ ही साथ अगर हम बात करें 37,277 करोड़ इन्होंने जो जम्मू कश्मीर को भी दिए, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ धीरे धीरे जो इतना डेवलपमेंट हो रहा है उससे जो फ़ायदा है वो भारत को ही पहुँचेगा। साथ ही साथ लक्षद्वीप का टूरिज़्म बहुत बढ़ाने की अपनी एक उनकी मंशा है, क्योंकि आपने देखा था जो अभी हुआ था, और जितना ज़्यादा टूरिज़्म बढ़ेगा इंडिया के अंदर ही, जो नरेंद्र मोदी जी ने पहले भी कहा था हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, तो उतना ज़्यादा इकॉनमी भारत की बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा GDP आपकी बढ़ती जाएगी। 1 करोड़ घरों को मिलेगी सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी। तो अच्छी बात क्या है दोस्तों, 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट की मुफ्त बिजली हर महीने जो अपना सौर ऊर्जा है उसके थ्रू मिलेगी, जिसमें अच्छी बात क्या है 15,000 से 18,000 रुपये की बचत होगी। और ई व्हीकल चार्जिंग के लिए जो बड़े पैमाने पर जो है इंस्टॉलेशन होंगे वो वेंडरों को भी काम मिलेगा। तो दोस्तों आपने ई व्हीकल तो काफ़ी सुना ही है, जैसे स्कूटी आती हैं जो अपना जो है इलेक्ट्रिक वाली होती हैं, वो अब चल रही हैं धीरे धीरे। तो अच्छी बात है कि जो फ्यूल इतना महंगा हो रहा है या फ्यूल की कमी भी एक टाइम के बाद कहा जाए गया है कि रिसर्च में कमी पड़ सकती है, तो उसके लिए अच्छी बात है कि वहाँ तो बेनिफिट मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ जो सोलर एनर्जी के थ्रू में हम बात करूँ 300 यूनिट बिजली फ्री पहुँचाने का अपना एक योजना बनाई गई है 1 करोड़ घरों को, तो 1 करोड़ घरों में जाने कितने लोग आ जाते हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जितना ज़्यादा हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा ही बढ़िया होगा, क्योंकि उसमें हम इतने मैं बात करूँ बाध्य नहीं रहेंगे, जैसे आप पेट्रोल के लिए रहते हैं कि यार पेट्रोल बहुत महंगा है और फलाना फलाना ऐसी चीज़ें रहती हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब साथ ही साथ दोस्तों इसमें देखने वाली बात यह है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेज हैं, इन पे अपना कोई अपना जो मैं बात करूँ बदलाव नहीं किया गया। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोस्तों क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो आपकी इनकम पे लगता है, मान लीजिए मेरी अपनी इनकम है 40,000 तो अपना वो उस पे लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है दोस्तों लगता है गुड्स एंड सर्विसेज पे, यानी मैं बात करूँ वस्तुओं पे, और साथ ही साथ आपको कोई सर्विस अगर प्रोवाइड की जाती है, जैसे खाना आपको एक रेस्टोरेंट में जाके खाना है तो वो एक सर्विस प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद अपना GST आया भी था जो आपको पता है 18% लगता है, तो GST में भी बताया गया है कि जो फ़ायदा भारत को पहुँच रहा है वो दोगुना हो जाएगा, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही साथ मैं बात करूँ तो निर्मला सीतारमन जी ने 4 इसमें चीज़ें ली हैं, जिसका नाम है गम्या। अब गम्या क्या है आप ये सोचेंगे, इसमें आता है G for गरीब, M for महिला, Y for युवा यानी मैं और आप, और साथ ही साथ मैं बात करूँ A for अन्नदाता, क्योंकि वैसे तो अन्नदाता बीच में नरेंद्र मोदी से नाराज़ थे थोड़ी बिना वजह के, लेकिन मुझे लगता है कि चारों को ही अपना अच्छी चीज़ें दी गई हैं। गरीबों के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, क्योंकि निर्मला सीतारमन जी ने बताया कि 25 करोड़ लोगों को अभी तक गरीबी से उठाया गया है अगर पिछले 10 सालों में बात की जाए, और 2047 तक यानी आज से लगभग 23 साल बाद भारत विकसित राज्य बन जाएगा, ऐसा उनका मानना है, क्योंकि धीरे धीरे हर चीज़ में समय लगता है। महिलाओं के लिए मैंने बताया वैक्सीन है ही 9 से 14 साल वाली, जिनको अपना सर्वाइकल कैंसर की प्रॉब्लम रहती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है आपको पता है। साथ ही साथ लखपति दीदी की जो योजना है मैंने बताया 1 करोड़ से 3 करोड़ तक पहुंच गई है, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ युवाओं के लिए भी दोस्तों अच्छी खबर क्या हो सकती है कि दोस्तों जो जॉब्स हैं, अब आप सोचेंगे यार जॉब्स में इसमें मेन चीज़ें क्या है, तो दोस्तों जैसे अगर मेडिकल कॉलेजेस अगर ज़्यादा बनते हैं
तो उसमें काफ़ी काम आपको लोगों को मिल सकता है। साथ ही साथ जो मैंने बताया सोलर एनर्जी जो प्रोवाइड की जाएगी 300 यूनिट, जिसमें 15-18 हज़ार रुपये का तो आपको फ़ायदा वैसे भी मिलेगा और जो गरीबों को मिलेगा अच्छी बात है। और जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीज़ें पहले से इतनी ज़्यादा हैं जिनमें इतना फ़ायदा मिलता है, तो जब व्हीकल भी इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, आप पेट्रोल पर बातें नहीं रहेंगे, तो आपकी जेब में पैसा भी बचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स निकलेंगी। और इसमें उन्होंने कहा कि जो मेक इन इंडिया जो नरेंद्र मोदी जी का एक नारा था उसको और जितना ज़्यादा किया जाए उतना बढ़िया, कि जितनी ज़्यादा चीज़ें भारत में बने आप बाहर प्रोवाइड करें उनको तो उल्टा आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि पहले क्या होता था, आप ज़्यादातर चीज़ें बाहर से लाते थे और पैसा आता था। और ये वैक्सीन के टाइम पे कोविड के टाइम पे देखा गया कि जो वैक्सीन थी वो हमारे यहाँ सबसे बढ़िया बनी और हमने हर जगह बाहर प्रोवाइड करी, हमारे यहाँ भी अपना अच्छे से रही और सब लोगों ने कोरोना को हटाया, तो बहुत अच्छी बात थी। जैसा कि मैंने बताया 1000 करोड़ लक्षद्वीप को भी अपना टूरिज़्म को दिए जा रहे हैं, तो अच्छी चीज़ ये है कि टूरिज़्म को जब इतने पैसे दिए जाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा व्यापार बढ़ेगा। सिर्फ अपना ये नहीं है कि मैं बात करूं कि ये सिर्फ एक घूमने वाली चीज़ है, व्यापार तो बढ़ेगा लेकिन व्यापार के साथ जो काम बढ़ेगा जो मैंने युवाओं के लिए कहा वो बहुत अच्छी बात है। किसानों के लिए जैसा कि मैंने कहा अपना उन्होंने यही सोचा कि क्या जितना ज़्यादा उनको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कर्ज माफ़ी जितनी ज़्यादा होती है उतना किसानों को भी फ़ायदा रहता है, क्योंकि आपको नहीं पता होता आपकी फसल कब सही रहेगी कब सही नहीं रहेगी। तो जितना ही जैसा कि मैंने कहा जो सारी चीज़ें वो जुड़ी हुई हैं, अब ये जो 15 से 18 हज़ार रुपये सोलर एनर्जी के थ्रू बच सकते हैं ये गरीबों के लिए ही ज़्यादा है, तो उसमें किसान भी आते हैं तो उनको उसमें बहुत फ़ायदा मिल सकता है। उसमें उनकी बहुत सारी जो है वाइफ होंगी बेटी होंगी जिनको 9 से 14 साल वाली वैक्सीन मिलेगी, लखपति दीदी होंगी, तो ये सारी चीज़ें मिलाकर ही अगर आप गमिया को देखें जो मैंने कहा गरीब अपना महिला युवा और अंधदाता, तो ये बहुत बड़ी देखने वाली बात है। तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि यही चीज़ें मेन थी। और साथ ही साथ GDP की जो उन्होंने बात बोली, उन्होंने कहा कि अभी सही चल रही है, बीच में कोविड के दौरान हुआ था जब थोड़ी GDP गिरी थी, जब भारत देश में या पूरी दुनिया में ही सब बंद हो गया था, लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें उठ रही हैं। और काफ़ी जगह देखा गया है कि मैं बात करूं जैसा कि मैंने कहा आप अगर इंडियन आर्मी की बात करें या भारतीय वायुसेना की बात करें तो अपना उनको चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं जो पहले नहीं मिल पा रही थी। स्पोर्ट्स में मैं बात करूँ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में भी तो ज़रूर कुछ मुद्दे ऐसे हुए कि लगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो फैसिलिटी स्पोर्ट्स वालों को भी मिल रही है। और मैं BJP के लिए भी यही कहना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ दो बातें हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब लोग इसमें अपनी अपनी प्रतिक्रिया देखते हैं। यार देखो, अगर आपको डिसएडवांटेज ढूंढना तो आप ये देख सकते हो कि कुछ लोग कह रहे हैं कि यार राम मंदिर तो इन्होंने बना दिया, तो अब इन्होंने बजट में भी देखो कुछ छूट नहीं दी, जबकि 3-4 महीने की बात थी। बिल्कुल सही बात आपने बोली, लेकिन क्या आपने ये नहीं सोचा कि यार गवर्नमेंट ऐसा तो कर ही सकती थी कि 4 महीने के लिए वो सब कुछ दे देती और उसके बाद जुलाई में आके सबको छीन लेती, या जुलाई में नहीं तो अगले एक साल बाद तो छीन लेती। लेकिन नहीं दोस्तों, उससे क्या फ़ायदा होता। तो मुझे लगता है कि सरकार ने सही करा जो भी अभी तक यहाँ तक करा है। और अगर ये है कि जो इन्होंने वादे करे थे कुछ कुछ, जैसे 370 का राम मंदिर का, ये अलग तरीके के मुद्दे थे जो अपना आप पूरी देश की बात करते हैं। और अब जो मुद्दे हैं वो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जॉब्स के हैं युवाओं के लिए, क्योंकि वो जॉब्स जो कनेक्ट हो जाएगी ना उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है मेक इन इंडिया, या जैसा कि मैंने कहा सोलर एनर्जी वाली बात हुई, या जितने ज़्यादा लोगों का अपना घर होगा तो किराया नहीं देना पड़ेगा, बिजली का बिल अगर उतना ज़्यादा नहीं आएगा, अन्नदाताओं को अगर वो फैसिलिटीज़ मिलेगी, उतना ज़्यादा कर्ज नहीं होगा, तो फिर चीज़ें उतनी ज़्यादा बढ़िया रहेंगी। हाँ, ऐसे नहीं होता है कि हवा में हम बात करें, जैसे अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि सारे किसानों का कर्ज माफ़ कर दो, जो जवान मूवी देख के आए थे, अगर आप शाहरुख खान से भी पूछोगे तो कहेगा भाई असलियत में नहीं होता है, तो वो एक मजाक की बात अलग है। आप सोचो कि सबको आप एक साथ जॉब दे दो या फ्री बिजली दे दो, भाई देखो वो नहीं हो सकता है, धीरे धीरे ही हो सकता है। अभी सोलर एनर्जी वाली भी जो चीज़ है, ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऐसा नहीं है कि आप सोचो आप 140 करोड़ भारतीयों को दे दो, ये धीरे धीरे ही हो सकता है। या दीदी योजना भी जो 1 करोड़ से 3 करोड़ हो सकती है, 30 करोड़ नहीं हो सकती। और साथ ही साथ जो आप देखिए चार्ज भी है अपना इनकम टैक्स का, 7 लाख से अगर आपकी इनकम कम है तो आप पे नहीं है, लेकिन अब अगर आपकी इनकम 10 लाख है और आप टैक्स दे सकते हो तो आप क्यों नहीं दोगे? फिर तो भाई जिसकी कमाई मुकेश अंबानी की अगर इतनी ज़्यादा करोड़ों में कमाई होगी आप गिन नहीं सकते, तो फिर तो उनको भी टैक्स नहीं देना चाहिए, फिर तो सब कुछ ऐसे ही चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो मुझे लगता है अच्छा रहा बजट। बाकी आप भी अपना कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अपना चीज़ों को आप भी ध्यान से देखिए क्या है क्या क्या है, जितना मैं ट्राई कर सकता था उतने बारे में ही आपको बता पाया। और साथ ही साथ बात करेंगे जब दोबारा बजट आएगा अपना 8-9 जुलाई 2024 को। और निर्मला सीतारमन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ऐसी पहली वो महिला बनी जिन्होंने लगातार 6 बार बजट पेश करा, और वैसी अपने दूसरी मोरारजी देसाई के बाद। और जैसा कि मैंने कहा BJP का जो दूसरा कार्यकाल था उसमें अपना ये उनका अंतिम बजट था। अब देखने वाली बात होगी कि अखिलेश यादव या मुलायम, मैं बात करूँ अखिलेश यादव या अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि उनका अंतिम बजट ही है ये, तो वो देख आपको तय करना है कि अगला जो बजट जुलाई में पेश होगा वो इंडिया गठबंधन करेगा या फिर BJP पेश करेगी, तो देखने वाली बात होगी NDA। लेकिन मैं कहूँगा जो भी आप करें दिल से करें, जो आपका दिल बोले और जो आपके देश के लिए सही हो वो आप करिएगा, कुछ भी ऐसे ही सोच के मत करिएगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।